गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है शिव भक्तों के लिए। आपके घर की तिजोरी भरने का एक अचूक उपाय है जो आपको महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में करना है। महाशिवरात्रि की रात्रि को एक सिद्ध रात्रि के रूप में माना जाता है। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को रिझाते हैं, मनाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भोलेनाथ को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से ही मनाया जा सकता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को विशेष चीज़ अर्पित करने से, विशेष मनोकामनाओं को बोलते हुए अगर हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो जल्द ही आज की रात्रि में ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए शायद उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। शिवरात्रि की रात्रि पर महाशिव और माँ पार्वती का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और इस दिन की गई पूजा बहुत ही अच्छा परिणाम हमें देती है। आपकी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन आपको महाशिवरात्रि की रात्रि में 1 मार्च 2022 की रात्रि में महाशिवरात्रि के पावन रात्रि में शुभ योग जो बन रहे हैं उसी में आपको ये कार्य करना है। इस बार महाशिवरात्रि पे पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है और ये महाशिवरात्रि का दिन पूरा पावन दिन होता है। ये उपाय आप रात्रि में भी कर सकते हैं या आप दिन में भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान उपाय है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना है। देखिए महाशिवरात्रि की पावन रात्रि है, आपको क्या करना है, एक लाल चंदन की जो माला होती है उससे आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ एक लाल चंदन की लकड़ी का टुकड़ा आता है, वो आपको किसी भी पूजा वाले स्थान पर आपको मिल जाएगा तो आपको उसी से प्रयोग करना है। लाल चंदन के टुकड़े को आपको क्या करना है, एक तांबे के पात्र में जल भरना है और वो लाल चंदन के टुकड़े को आपको डाल करके रखना है। उसके बाद आप किसी भी शिव मंदिर में चल जाएं, रात्रि के समय, प्रदोष काल के समय, या आप दिन में भी जा सकते हैं और आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। देखिए आपने क्या कर रखा है, जल के अंदर आपने लकड़ी का टुकड़ा, लाल चंदन की लकड़ी का टुकड़ा आपने डाल रखा है और आपको अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको अभिषेक करना है। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उस चंदन की लकड़ी को निकालना है। अब आपको एक लाल कपड़ा भगवान शिव के सामने बिछाना है, छोटा सा लाल कपड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर ये जो लाल चंदन है वो आपको रख देना है। ओम नमः शिवाय कम से कम 11 माला का आपको जाप करना चाहिए, केवल ओम नमः शिवाय का। यदि आपको कोई दूसरे मंत्र भी आते हैं तो भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर कोई सा भी पुष्प जो चढ़ा हुआ है वो अगर कहीं आसपास गिरा हुआ है तो वो भी आप वहां से उठा लें और इस कपड़े के अंदर लाल चंदन के साथ आप डाल दें। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप आपके घर में लेकर के आ जाएं, आपके घर के मंदिर में आपको रखना है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि 2 मार्च के दिन लाल कपड़े के अंदर आपने लाल चंदन रखी है, साथ ही साथ एक पुष्प रखा है, लाल पुष्प हो तो अति उत्तम है, और साथ ही साथ थोड़े से आप साबुत चावल उसके अंदर डाल दें। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है ये आपकी तिजोरी में रख देना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में, आपके घर में ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और महालक्ष्मी का स्थिर वास होगा और आपके धन संबंधित परेशानियाँ जो हैं वो सब दूर होगी। ये जो पवित्र चीज़ है ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा, इसीलिए आपके घर में धन का हमेशा वास होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। शिवरात्रि के दिन हो सके तो लाल चंदन की माला अगर आप ला सके तो भोलेनाथ को आपको पहनानी चाहिए, भोलेनाथ के शिवलिंग को आपको पहनानी चाहिए और उसके बाद कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। वहीं पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद जो लाल चंदन की माला है ना, आप उसे शुद्ध करके, साफ करके आप आपके घर के प्रवेश द्वार पर आप टांग सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। शिवरात्रि के दिन ही आपको ये प्रवेश द्वार पर आपको टांग देना है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, लाल चंदन की माला से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में कभी भी किसी गलत चीज़ों का वास नहीं होगा, कोई गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो सही मार्ग पर चलने लग जाएगा और आपके घर में सद्गुण बना रहेगा और लक्ष्मी जो प्राप्ति होगी वो हमेशा सुख समृद्धि की लक्ष्मी प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि की रात्रि में कई लोग कई प्रकार के अभिषेक करते हैं, लेकिन अगर आप चंदन से अभिषेक करते हैं, यानी कि चंदन का पाउडर आता है, लाल चंदन का पाउडर, अगर आप जल के पात्र के अंदर लाल चंदन मिला करके
आप अभिषेक करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, समृद्धि का मार्ग भी खुलता है। अगर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो वो भी होने लग जाएगी, आपके पास धन की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का श्रृंगार चंदन से अवश्य करना चाहिए। देखिए, चंदन का लेप अगर भोलेनाथ को लगाते हैं तो इससे आपके जीवन की कई समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती है। ध्यान रखें, शिवरात्रि के दिन लाल चंदन का छोटा सा आप लेप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बैठा हुआ काल्प सर्प दोष भी ठीक हो जाता है और आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको ये अद्भुत उपाय करना है। ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, प्रणाम।